दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जांच एजेंसी को इसके सबूत मिले हैं। ईडी के शीर्ष दो अफसरों की लगातार जानकारी जुटाई जा रही थी। केजरीवाल पर कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में एक्शन लिया गया। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आखिरकार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की जासूसी कर रहे थे। जांच एजेंसी को इसके सबूत मिले हैं। ईडी के शीर्ष दो अफसरों की लगातार जानकारी जुटाई जा रही थी। गुरुवार को ईडी की टीम ने केजरीवाल के आवास से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं। केजरीवाल पर कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में एक्शन लिया गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के सीएम केजरीवाल ईडी अधिकारियों की जासूसी करवा रहे थे। ईडी ने छापेमारी के दौरान दस्तावेज बरामद किए। कहा जा रहा है कि संबंध में ईडी कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ईडी अधिकारियों ने केजरीवाल पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अफसरों के बारे में जानकारी जुटाने का दबाव भी था। ये ऐसे दस्तावेज हैं जो केजरीवाल पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनकी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ईडी का कहना है कि केजरीवाल के आवास 150 पेज के दस्तावेज मिले हैं। इसमें ईडी अफसर के परिवार के बारे में जानकारी लिखी हुई है। कुछ अफसरों के नाम, परिवार और उनकी संपत्ति के बारे में भी जुटाई जा रही है। ये दस्तावेज एक तरह से गैरकानूनी माने गए हैं। ईडी की टीम ने इस दस्तावेज को अपने सीनियर अफसरों को भेज दिया है। कहा जा रहा है कि इन दस्तावेजों से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ना तय है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा कारणों से दोनों अधिकारियों की पहचान गुप्त रखी गई है। जांच एजेंसियों ने आधिकारिक पंचनामा में दस्तावेज को दर्ज कर लिया है। एक अफसर संयुक्त निदेशक स्तर के हैं। वर्तमान में वो कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले की जांच में शामिल है। आज कोर्ट में सबूत ईडी पेश करने वाली है। दरअसल ईडी कोर्ट में पहली बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबूत पेश कर रही है। ईडी ने गोवा में चुनाव लड़ने वाले आप उम्मीदवारों के बयान भी दर्ज किए हैं। इन उम्मीदवारों का आरोप है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए नकद भुगतान किया गया था। ईडी का आरोप है कि ये वही पैसा है जो दक्षिण भारत के कारोबारियों से एक्साइज पॉलिसी घोटाले में आपको दिया गया था। इससे पहले गुरुवार शाम ईडी की टीम ने केजरीवाल के आवास पर छापा मारा था और वहां तलाशी ली थी। केजरीवाल से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और जांच टीम अपने साथ दफ्तर ले गई थी। केजरीवाल ने गुरुवार रात ईडी के लॉकअप में गुजारी। वहीं आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में किवेट दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच में सुनवाई होने जा रही है। वहीं ईडी की टीम केजरीवाल को दोपहर बाद दिल्ली कोर्ट में पेश करती हुई नजर आई और कस्टडी की मांग करती हुई नजर आ रही है। ईडी ने कहा हमें भी सुना जाए। इधर केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया था, लेकिन याचिका वापस ले ली गई। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला द्विवेदी की एक विशेष पीठ गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करने वाली थी। प्रवर्तन निदेशालय ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक किवेट दाखिल कर अनुरोध किया है कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कोई भी फैसला लेने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। तो ये अब तक कहानी हुई है। अभी भी जो पशुपेश में फंसे हुए हैं आम आदमी पार्टी के, जो भी वहाँ पर प्रबंधक हैं, जो भी वहाँ पर कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता हैं, वो लगातार अब भी उम्मीद में है कि अरविंद केजरीवाल बच सकते हैं। अब कितने दिन की रिमांड मिलेगी ईडी को, ये महत्वपूर्ण फैसला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। गुरुवार को 2 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। सीएम केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। उन्हें पहले इसी साल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक साजिश बताया। तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी इसे गलत ठहराया है। बहरहाल दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। आतिशी ने कहा हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो केजरीवाल दिल्ली से सरकार चलाएंगे।
वो जेल से सरकार चला सकती हैं और कोई नियम उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता। वो दोषी नहीं ठहराए गए हैं, इसलिए वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। इससे पहले पिछले साल नवंबर में जब ईडी ने केजरीवाल को पहला समन जारी किया था, तब भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। उस वक्त भी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसा हो सकता है? जेल से सरकार चलाना थोड़ा अतिर्किक लगता है, लेकिन ऐसा कोई कानून या नियम नहीं है जो मुख्यमंत्री को ऐसा करने से रोक सके। फिर भी केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाना टेढ़ी खीर है। दरअसल जब भी कोई कैदी आता है तो उसे वहां का जेल मैनुअल फॉलो करना पड़ता है। जेल के अंदर सभी कैदी के सारे विशेष अधिकार खत्म हो जाते हैं, भले वो अंडर ट्रायल कैदी ही क्यों ना हो। हालांकि मौलिक अधिकार बने रहते हैं। जेल में हर काम सिस्टमैटिक तरीके से होता है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में बंद हर कैदी को हफ्ते में दो बार अपने रिश्तेदार या दोस्तों से मिलने की इजाजत होती है। हर मुलाकात का समय भी आधे घंटे का होता है। इतना ही नहीं, जेल में बंद नेता चुनाव तो लड़ सकता है, सदन की कार्रवाई में भी शामिल हो सकता है, लेकिन वहां किसी तरह की बैठक नहीं कर सकता। जनवरी में जब ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था तो एमपीएलए कोर्ट ने उन्हें विश्वास मत में भाग लेने की इजाजत दे दी थी। इसके अलावा कैदी जब तक जेल में है उसकी कई सारी गतिविधियां कोर्ट के आदेश पर निर्भर होती है। कैदी अपने वकील के जरिए किसी कानूनी दस्तावेज पर तो दस्तखत कर सकता है, लेकिन किसी सरकारी दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी होती है। तो क्या केजरीवाल इस्तीफा देंगे? अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है। यह अलग बात है कि वो खुद अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दें, फिर कोई नया मुख्यमंत्री बने। 1951 के जनप्रतिनिधि कानून में कहीं इसका जिक्र नहीं है कि जेल जाने पर किसी मुख्यमंत्री, सांसद या विधायक को इस्तीफा देना होगा। कानून के मुताबिक किसी मुख्यमंत्री को तभी अयोग्य ठहराया जा सकता है जब उन्हें किसी मामले में दोषी ठहराया गया हो। इस मामले में केजरीवाल को अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है, उन्हें अभी सिर्फ गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा होने का खतरा है, क्योंकि उन्हें जेल में रहने में सरकारी कामकाजों में बाधा आ सकती है। अगर केजरीवाल इस्तीफा दे भी देते हैं तो भी वो विधायक रहेंगे ही, क्योंकि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक किसी विधायक या सांसद को अयोग्य तभी ठहराया जा सकता है जब किसी आपराधिक मामले में उसे दो या उससे ज्यादा की सजा हो। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं समेत दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल का कहना है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। क्या पद से हटाया जा सकता है? ऐसा भी होने की फिलहाल कोई गुंजाइश है नहीं। मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना जरूरी है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव भी ऐसी स्थिति में लाया जाता है तब जब लगे कि सरकार बहुमत खो चुकी है। मगर दिल्ली विधानसभा की 70 में से 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी काबिज है। फिर भी मान लिया जाए कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इसका गिरना लगभग तय है। अब ऐसे में केजरीवाल जब तक खुद ना चाहे उन्हें मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जा सकता। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई है? दरअसल दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। इसे शराब घोटाला भी कहा जाता है। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने एलजी वी के सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें आबकारी नीति में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया और फिर ईडी ने। इस कथित शराब घोटाले में पिछले साल 24 फरवरी को दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। फिर 4 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। पिछले साल ही 2 अक्टूबर को ईडी ने केजरीवाल को पहला समन भेजा था। तब से लेकर 21 मार्च तक ईडी 10 समन जारी कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी थी। गुरुवार शाम 7 बजे ईडी की टीम सीएम आवास पहुंची और 2 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या किसी सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है? संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल जब तक पद पर हैं तब तक उन्हें ना तो गिरफ्तार किया जा सकता और ना ही हिरासत में लिया जा सकता है। कोई अदालत भी उनके खिलाफ कोई आदेश जारी नहीं कर सकती, लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक को ऐसी छूट नहीं है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को सिर्फ सिविल मामलों में गिरफ्तारी में छूट मिली है, क्रिमिनल मामलों में नहीं। क्योंकि कथित शराब घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, ये क्रिमिनल केस है, इसलिए सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। अब आगे क्या? देखिए, गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से गुरुवार रात को ही सुनवाई करने की अपील की थी, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया था। शुक्रवार को केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले को कहीं ना कहीं पेश करते हुए नजर आए। उन्होंने बहुत ही साफ कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा या नहीं, यह साफ हो पाएगा। हालांकि खुद ही याचिका वापस लेते हुए नजर आई। अब केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। @9 में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।